आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होता है उसमें। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मतलब बहुत ही डेवलप सेल होता है, लेकिन एक सेल वाला यूकैरियोट्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल, फर्स्ट एनिमल। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है ये। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रिमिटिव पुराने रिलेटिव होंगे, और फर्स्ट एनिमल एंसिस्टर ऑफ मल्टीसेल्यूलर एनिमल। मल्टीसेल्यूलर एनिमल के जो एकदम पहला होता था उसमें इसी टाइप के एनिमल पाया जाता था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बहुत ही डेवलप है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर का भाग जैसे डेवलप होता है, न्यूक्लियस क्लियर, हर सेल ऑर्गेनिज जो है डबल मेम्ब्रेन वाला बहुत ही डेवलप, लेकिन एक सेल के अंदर ही सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होता है फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ को सबसे पहले स्टडी किए थे लीवेनहुक 1677 में, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। उसके बाद ही ये माइक्रोस्कोपिक होता है एनिमल, क्योंकि एक ही सेल वाला बिना माइक्रोस्कोप नहीं दिखता है। ठीक है, तो लीवेनहुक ने माइक्रोस्कोप में इस टाइप के सिंगल सेल वाले एनिमल देखे थे, उसने इनका नाम दिए थे माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल। ठीक है, उसने देखे कि बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, बहुत अलग अलग शेप का, स्पेरिकल, ओवल, इरेगुलर, बहुत अलग अलग शेप के बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। ठीक है, और उसके अंदर का भाग जो होता है बहुत ही डेवलप यूकैरियोटिक टाइप भी होता है, तो उसने इसका नाम क्या दिया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल। ठीक है, तो प्रोटोजोआ टर्म जो होता है, सबसे पहले प्रोटोजोआ टर्म दिए थे गोल्फस 1817 में। गोल्फस जो साइंटिस्ट थे उसने प्रोटोजोआ शब्द को यूज किए थे। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि प्रोटोजोआ सभी जगहों में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, लैंड में भी पाया जाता है, एक्वेटिक मतलब वाटर में भी पाया जाता है, और सॉयल में भी पाया जाता है। सॉयल, वाटर, वाटर में फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, सब में प्रोटोजोआ के एनिमल्स पाया जाता है। ठीक है, पूरे प्रोटोजोआंस, जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं हेटरोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। यूग्लिना हम लोग देखे थे ऑटोट्रॉपी। ठीक है, जो प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन ये भी प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन पूरे हेटरोट्रॉप्स मतलब अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसिस नहीं कर पाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के, कुछ सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ भी होता है, कुछ पैरासाइट्स होता है, कुछ सेप्रोफाइटिक प्रोटोजोआ भी देखा गया है। ठीक है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के, लेकिन अपना फूड मटेरियल खुद बना नहीं पाते हैं, हेटरोट्रॉपिक होता है, दूसरे पर खाने के लिए निर्भर होता है। ठीक है, अब देखेंगे रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, ये दोनों चीजें कि सिंगल सेल के अंदर है, इसलिए इसमें जो वॉल होता है, पेलिकल का वॉल होता है, उस पेलिकल के वॉल से ही रेस्पिरेशन मतलब बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन एक्सरेशन का काम करते हैं इन लोग। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन में, ये बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और एक्सरेशन जो होता है वो भी बॉडी सरफेस से भी होता है, मतलब इसके अंदर के जो वेस्ट फूड मटेरियल वो बाहर निकलना, ये भी बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करके एक ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर में जितने भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उसमें एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसका काम एक्सरेशन भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, एक्सरेशन मतलब शरीर के अंदर के जितने वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है, और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? सेल के सरफेस में जाके फट जाता है, और सेल का जो सरफेस होता है उससे वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाहर निकल जाता है।
ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, मतलब वाटर में पाए जाने वाले एनिमल होता है, पूरे वाटर इसके अंदर भरता जाएगा तो ये फट जाएगा, इसीलिए वाटर को बैलेंस करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को अपने में भर लेता है और बॉडी सरफेस के पास आके फट जाता है और बाहर कर देता है इसको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, और एक्सरेशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से भी होता है और एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो भी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, एक्सरेशन का भी काम करता है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआंस होते हैं उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, बाकी में नहीं। मैराइन वाटर में जो प्रोटोजोआंस होते हैं उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का कोई रोल नहीं रहता। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस को जब मैराइन वाटर में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, उसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैराइन वाटर के जो प्रोटोजोआंस होते हैं उसको जब हम फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो नया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का उसमें फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस में उसका रोल रहता है, ठीक है। कई पैरासाइटिक प्रोटोजोआ को भी हम लोग जब देखे हैं कि फ्रेश वाटर में डाल दिया जाता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाने की क्षमता नहीं होता, इसलिए उस टाइप के जो प्रोटोजोआंस होते हैं मर जाता है, ठीक है। देखो जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस को मैराइन वाटर में ट्रांसफर किया जाता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है, जब मैराइन प्रोटोजोआंस को ट्रांसफर किया जाता है फ्रेश वाटर में तो नया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनता है, और पैरासाइटिक प्रोटोजोआंस को जब ट्रांसफर किया जाता है फ्रेश वाटर में तो वो प्रोटोजोआंस मर जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाने की उसमें क्षमता नहीं होता है, ठीक है। देखो इसमें ज्यादातर प्रोटोजोआंस जो होता है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ में देखा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर में क्या होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब हम लोग जानते हैं एक सेल से दो सेल बन जाना, दो से चार सेल बन जाना, इस टाइप से डिविजन होता है, ठीक है। और कुछ प्रोटोजोआ में सिस्ट फॉर्मेशन होता है, सिस्ट मतलब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में चारों ओर मोटे वॉल फॉर्मेशन करके रह जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है सिस्ट। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है या सिस्ट फॉर्मेशन से होता है, कुछ प्रोटोजोआ ऐसा देखा जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत टाइप के प्रोटोजोआ देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोजोआ हम लोग देखे हैं जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है, बहुत सारे प्रोटोजोआ सीलिया पाया जाता है, बहुत में स्यूडोपोडिया रहता है, बहुत में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन भी नहीं रहता ना, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन उस बेस पे किया गया है, लोकोमोटरी ऑर्गेन के बेस में क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। बहुत सारे फ्लैजेला जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है बहुत सारे प्रोटोजोआंस में, उसको अलग ग्रुप में रखा जाता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलिया जिसमें पाया जाता है उसको अलग ग्रुप में रखा गया, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, ठीक है, जो मूवमेंट करता है सिलिया के द्वारा। एमीबॉयड प्रोटोजोआंस जिसमें स्यूडोपोडिया, एमीबा में हम लोग देखे थे कि उसमें कोई सिलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता, इस टाइप के फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उस टाइप के ग्रुप को एमीबॉयड प्रोटोजोआंस के अलग एक ग्रुप बनाया गया। और स्पोरोजोआंस जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन सिलिया फ्लैजेला स्यूडोपोडिया कुछ नहीं पाया जाता है, उसको रखा गया स्पोरोजोआंस में, ठीक है। चार ग्रुप बनाया गया लोकोमोटरी ऑर्गेन के हिसाब से, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, एमीबॉयड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस होते हैं उसको मैस्टिगोफोरा भी बोला जाता है, मैस्टिगोफोरा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस मतलब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स जिसमें फ्लैजेला की तरह मूवमेंट होता है, उसी को हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसमें छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी में पाया जाता है उसको बोलेंगे सिलिया, तो सिलिएटेड प्रोटोजोआंस।
फिंगर लाइक आउटग्रोथ वाले जो होता है उसको बोलेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को बोलेंगे एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। और बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे रहते हैं जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं पाया जाता, इसको बोलेंगे स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होता है वो फ्लैजिला का द्वारा मूवमेंट करता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को जब हम देखेंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में दो भागों में बट जाता है, हर प्रोटोजोन्स जो है लंबाई में दो भागों में बट जाता है, इस टाइप से उसका रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है, बहुत सारे मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें कई प्रोटोजोन्स ऐसा देखा गया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, और कई प्रोटोजोन्स जो होते हैं पैरासाइटिक होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब जिस होस्ट में रहेंगे, जिस जगह में रहेंगे उसको भी हेल्प करेंगे और उसके बदले में उससे भी हेल्प लेंगे, दोनों दोनों को हेल्प करके जब रहते हैं उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक। ठीक है, कॉमेंसलिज्म टाइप भी पाया जाता है, उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं करता, कोई हार्म भी नहीं पहुंचाते, कोई लाभ भी नहीं लेते हैं और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पास रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ भी रहता है, पूरी तरह से होस्ट को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, हार्म होस्ट। तो बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये क्या होता है, टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक। दीमक हम लोग जानते हैं जो लकड़ी को खराब कर देता है, मिट्टी में भी पाया जाता है ना। तो जो दीमक होता है उसके गट में पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में पाया जाता है, और वो टर्माइट को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उसके बदले में टर्माइट से फूड मटेरियल भी लेते हैं। ठीक है, टर्माइट को कैसे हेल्प करते हैं, टर्माइट के इंटेस्टाइन में पाया जाता है या स्टोमक में पाया जाता है, और एक टाइप के केमिकल का सिक्रेशन करता है। ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, देखो दिमाग के जो गट होता है उसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये क्या करता है, सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ये प्रोटोजोआ सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज करने के बाद फूड मटेरियल जो मिलता है वो दिमाग भी खाते हैं, और उस फूड मटेरियल को ट्राइकोनिम्फा भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों दोनों को हेल्प कर रहा है, और ट्राइकोनिम्फा इसके गट में पाया जाता है उस टाइप से इसका हेल्प हो रहा है, उसके बदले में ये फूड मटेरियल का जुगाड़ कर रहे हैं, उसको दिमाग को मिल रहा है, तो दोनों दोनों को हेल्प कर रहा है इस टाइप से। और ट्राइकोनिम्फा जो प्रोटोजोआ होता है वो टर्माइट्स के गट्स में होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो टर्माइट मर जाएगा, सेलुलोज का डाइजेशन कर ही नहीं सकता। सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम ये प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा करता है, इसीलिए दिमाग जिंदा रहते हैं। ठीक है, जिस भी लकड़ी में रहता है तो दिमाग लकड़ी को तभी खराब कर पाते हैं जब ट्राइकोनिम्फा जो होता है इस लकड़ी के सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम के द्वारा इस टाइप के मतलब ट्राइकोनिम्फा जो होता है सिम्बायोंट का रोल करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वानोफ्लैजिलेट्स और प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ ऐसा होता है जो क्वानोफ्लैजिलेट और प्रोटेरोस्पोंजिया बोलेंगे, ये सिंगल सेल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल फ्लैजिला पाया जाता है इसमें, ऐसा ही होता है लेकिन ग्रुप में पाया जाता है, हमेशा कॉलोनी बना के रहते हैं, और हर ग्रुप जो होता है उसमें म्यूसिलेज रहता है, देख के लगता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल होता है, लेकिन सब सिंगल सेल वाला अलग अलग यूनिसेलुलर होता है, इसका नाम है प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है, तो इसी से ऐसा माना जाता है, जो साइंटिस्ट लोग इसके बारे में बहुत सारे काम कर रहे हैं,
उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसी से मल्टी सेलुलर एनिमल का डेवलप हुआ होगा, क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहता है और बीच में म्यूसिलेज रहता है, मतलब एक सेल का दूसरे सेल के साथ क्या कनेक्शन है उसका स्टडी बहुत ज्यादा किया गया। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में कनेक्टिंग लिंक। इसी टाइप से मल्टी सेलुलर एनिमल का डेवलप हुआ होगा सिंगल सेल एनिमल से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चार पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। ठीक है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ देख लिए और इस टाइप के प्रोटोजोआ देख लिए कि जो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, और पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे। चार पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिस्मानिया और ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में देखेंगे।